स्मार्ट साइड टेबल। दोस्तों, हम लोग अपने कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपने जरूरी सामान को रखने के लिए बेड साइड टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से इस तरीके की टेबल्स में ज्यादा चेंज नहीं आया है, बस इसकी डिजाइन ही बदली है। कोई खास ऐसा फीचर आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी टेबल को अपग्रेड करना तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की टेबल को, जो कि फीचर्स के मामले में आप एक तरीके से इसे स्मार्ट टेबल कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग से लेकर ब्लूटूथ स्पीकर तक का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप ढेर सारे गाने वगैरह सुन पाएंगे। लेकिन इसे सबसे ज्यादा खास बनाते हैं इसके ड्रॉर्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंपल ड्रॉर के साथ साथ आपको एक कूलिंग ड्रॉर भी मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को भी रख सकते हैं। यानी कि रात के समय अगर आपको ठंडा ठंडा पानी पीने का मन हो तो आपको ज्यादा दूर उठकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसके ड्रॉर को खोलकर निकाल सकते हैं इससे ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। वहीं दोस्तों इसमें आपको लाइट सेंसर्स भी दे रखे होते हैं, यानी कि अगर आप रात के समय जैसे ही जमीन पर पैर रखेंगे तो फौरन आपके बेड के साइड की टेबल में लाइटें जलने लगेंगी, जिससे कि आपको रात में देखने में सुविधा हो सके। वहीं दोस्तों सुबह उठाने के लिए भी इसमें अलग से LED लाइट्स लगी होती हैं, जो कि आपके अलार्म के साथ ही एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी कि जिस समय आपका मोबाइल फोन का अलार्म बजता है ये लाइटें भी ठीक उसी तरीके से ग्लो करती हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इन लाइटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन ऐप की मदद से, यानी कि इसमें आपको मोबाइल फोन ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। सोचकर देखिए एक ऐसी टेबल के बारे में, आपको मोबाइल फोन ऐप मिलता और साथ ही साथ इतने ज्यादा फीचर मिलते हो, तो आप यकीनन इसे स्मार्ट टेबल कह सकते हैं। टोनल फिटनेस सिस्टम। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक होना चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम जिम करें, लेकिन जिम हमारे नॉर्मली घर से काफी ज्यादा दूर होते हैं, और अगर हम अपने घर में सामान लेकर इकट्ठा करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी की वजह से हम घर पर जिम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि पर्सनल ट्रेनर के रूप में हमेशा आपकी मदद करेगा। वहीं दोस्तों बड़ी बड़ी मशीन्स को खरीदने से बेहतर है कि आप इस तरीके के छोटे से गैजेट को ट्राई कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये आपकी दीवार में पूरी तरीके से फिट हो जाता है, यानी कि दूर से देखने में ये बिल्कुल भी आपको जिम किट जैसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक LED स्क्रीन लगी होती है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके सारे पार्ट्स को आप अलग अलग करके अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिनको आप देख के और भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, और मोटिवेशन के लिए भी इसमें बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आप शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये आपकी फिटनेस ग्रोथ को एक चार्ट के माध्यम से समझाता है, जिससे कि आप इस डेटा को देखकर और भी ज्यादा इंस्पायर हो और इसकी ग्रोथ के लिए और भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें। तो दोस्तों इस तरीके का एक छोटा सा पर्सनल ट्रेनर जिम बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इस जिम किट के साथ साथ आपको एक पर्सनल ट्रेनर भी मिल जाएगा, जो कि हमेशा आपको मोटिवेट रखेगा। पेट्रोनिक्स माउसर कैट टॉय। दोस्तों, किसी पेट की लाइफ उसके फिटनेस पर निर्भर करती है, यानी कि अगर आप अपने पेट की फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो यकीनन उसकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी होगी। लेकिन अगर आप अपने पेट को प्रॉपर वर्कआउट नहीं करा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसकी सेहत के लिए घातक हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से रोबोट का, जो कि आपकी अब्सेंस में भी आपके पेट के साथ अच्छा खासा मस्ती मजाक करता रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा ऑटोमेटेड रोबोट होता है, जो कि आपके पेट के पास जाता है और उसे छेड़कर फौरन उसके आसपास घूमने लग जाता है, और इसके एंटीना पोर्शन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ज्यादा एट्रेक्टिव लगता है पेट को, और पेट उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। बेसिकली इसे कैट के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अपने डॉग के साथ खेलने के लिए भी, लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार रहता है ये आपके कैट के वर्कआउट के लिए। EVO GTR। दोस्तों, अगर आप हावर बोट राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक हावर बोट होता है, जहां पर आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इसके शेप की, तो दोस्तों देखने में तो ये एकदम नॉर्मल हावर बोट जैसा लगता है, लेकिन इसके नीचे की तरफ पावरफुल मोटर्स लगी होती है, जो कि इसे पावर देती है। वहीं बैटरी का भी पूरा सिस्टम इसके नीचे की तरफ ही रहता है, आप इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 31 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं नॉर्मल मोड पर। वहीं दोस्तों अगर आपकी रोड थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ हो तो ये 19 माइल्स तक की रेंज तक कहीं भी जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 26 माइल पर आवर की होती है, जो कि बड़ा ही कमाल की रहती है किसी भी हावर बोट के लिए, और साथ ही इसके साथ आपको एक जॉयस्टिक कंट्रोल मिल जाता है, जिसे कि आप अपने हाथ में रखकर आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का हो जाता है, और दोस्तों शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, यानी कि अगर आपके पास कहीं सवारी वगैरह का साधन ना हो, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपको पैदल चलने की जरूरत तो कम से कम नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस में। गेट बॉक्स। दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में आजकल घरों में हमें बहुत सारे स्मार्ट होम असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग घर के कामों में कर सकते हैं। लेकिन क्या स्मार्ट होम असिस्टेंट की लिमिटेशंस बस इतनी ही है कि वो आपके घर की बत्तियों को जला बुझा सके या फिर आपके AC को ऑन ऑफ कर सके? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। स्मार्ट होम असिस्टेंट खास तौर पर बनाए गए हैं आपके ऐसे असिस्टेंट के तौर पर, जिनका इस्तेमाल आप एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी कर सके, यानी कि उनसे अपनी बात शेयर कर सके या फिर उनसे किसी टॉपिक पर सलाह मशवरा भी कर सके। तो जापान में तैयार खास तौर पर ये
गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि स्मार्ट होम असिस्टेंट से काफी ज्यादा बढ़कर होता है। आप एक तरीके से इसे पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं कि यह आपको गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग देने वाला है, यानी कि यह आपके घर से लेकर आपकी सेहत और पर्सनल कामों तक का पूरी तरीके से ख्याल रखता है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी ये फील ना हो कि आप घर पर अकेले रहते हैं। वहीं दोस्तों आप चाहें तो इससे चैट भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी चैट्स का रिप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से देगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात होती है। तो आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कहां तक जाएगी इस बात का तो कोई भी अंदाजा नहीं रहता, लेकिन ये गैजेट भविष्य की झलक जरूर दिखाता है, जिससे कि आप समझ पाए कि आगे किस तरीके के गैजेट्स और भी आने वाले हैं। डांस फेरी बैले डांस एलईडी विंग। दोस्तों आजकल बहुत से स्कूलों में एनुअल फंक्शन में बच्चे ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं जिनमें एलईडी लाइट्स लगी होती हैं। तो नॉर्मली तो लोग इन्हें देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं क्योंकि वो अंधेरे में बहुत ज्यादा ब्लिंक करती हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर आप भी ऐसी ही कोई ड्रेस परचेज करने का मूड बना रहे हो जो कि उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर हो, यानी कि पूरी ड्रेस ही एलईडी पर बेस्ड रहे, तो ये गैजेट आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी ड्रेस होती है जो कि देखने में एकदम परियों की ड्रेस जैसी लगती है, क्योंकि इसमें मल्टी कलर एलईडी लाइट लगी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। लाइट्स के कलर को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं या फिर सिंगल कलर में भी जला सकते हैं। इसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है क्योंकि इसके साथ आपको एक छोटा सा कंट्रोल पैनल भी मिल जाता है जहां से आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों एनुअल फंक्शन के लिए इस तरीके की ड्रेसेस बड़े ही कमाल की हो जाती है। अगर आप भी ट्राई करके देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फाइंड ए रेट्रो प्रोजेक्टर। दोस्तों कभी कभी कुछ चीजों की डिजाइन बहुत ज्यादा खास हो जाती है। अगर हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्टर की, तो आजकल आपने काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स देखे होंगे और साथ में साइज में इतने छोटे प्रोजेक्टर भी देखे होंगे जिन्हें कि आप अपने पॉकेट में डालकर कैरी कर सके। लेकिन पहले के जमाने में जो प्रोजेक्टर इस्तेमाल हुए थे, यानी कि जिनसे की फिल्म वगैरह दिखाई जाती थी, तो उनका चलन आज तो खत्म हो गया है, लेकिन उस डिजाइन को जिंदा रखने के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है इस प्रोजेक्टर को। दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत मॉडर्न प्रोजेक्टर होता है जहां पर आप वो सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्टर में आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिजाइन को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि यह आपकी पुरानी यादें एकदम ताजा कर देगी। दोस्तों इसके साइड में एक टच स्क्रीन पैनल होता है जिससे कि आप इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें 10,000 एमएच की बैटरी भी होती है जिससे कि इसे पावर मिल सके। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीन के साइज को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको 300 इंचेस तक की लार्ज स्क्रीन प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप इसे किसी भी सरफेस पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं इसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे एडवांस फीचर दे रखे हैं, यानी कि अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं इसमें, तो वाईफाई की मदद से आप इसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे एप्स का भी मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एकदम पुराने बॉक्स में आपको नई चीज मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की रहती है इस्तेमाल करने में। साथ ही दोस्तों पुराने लिबास के इस नए गैजेट को आप अपने घर में रखकर अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। हाफ बाइक। दोस्तों आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट ई बाइक और मोटरसाइकिल के जमाने में इस्तेमाल करते हैं साइकिल का, लेकिन बहुत समय से इसकी डिजाइन में कोई चेंज नहीं आया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक समय था जब कि नॉर्मल वाली साइकिल आती थी, उसके बाद रेंजर साइकिल आई, लेकिन उसके बाद से कोई भी बड़ा चेंज हमें साइकिल में नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसी बाइसाइकिल इस्तेमाल करना जो कि आधी बाइसाइकिल हो, तो थोड़ा सा शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक पहिया होता है जो कि बड़े साइज का रहता है, बाकी दो छोटे छोटे व्हील्स लगे हैं जो कि नॉर्मल साइज के रहते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इसे राइड कर सकते हैं। और इसमें बैठने के लिए आपको सीट भी नहीं मिलती है, जिससे कि आपको इसे खड़े खड़े चलाना पड़ेगा, जो कि आपका अच्छा खासा वर्कआउट भी करा देती है। तो इस तरीके की बाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसमें लगने वाला फोर्स बहुत कम होता है, यानी कि अगर आप जितने फोर्स में नॉर्मल बाइसाइकिल को थोड़ी दूर पर ले जा सकते हैं, उतने ही फोर्स में आप काफी आगे निकल जाएंगे इस हाफ बाइक की मदद से। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप इसे फोल्ड भी करा सकते हैं, जिससे कि ये कैरी करने में भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, यानी कि अगर आप ट्रैवल वगैरह पर कहीं जा रहे हो तो एक बार इसे भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के कमाल गैजेट के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कुछ ऐसे सुपर कमाल गैजेट जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको काफी सारे मजेदार गैजेट्स बताता रहूंगा, और अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।